अगर आपके सैमसंग फोन में भी AOD का ब्राइटनेस बहुत कम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना जो सैमसंग का AOD है उसका ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हो। सो बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। बट उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है गुडलॉक को डाउनलोड करना। सो गैलेक्सी स्टोर से गुडलॉक को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके फोन पर गुड लॉक शो नहीं कर रहा तो आप डाउनलोड कर सकते हो फाइन लॉक एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर जाओ और वहां पर सर्च करो फाइन लॉक, और फाइन लॉक एप्लीकेशन वही मिल जाएगा आपको, ओनली फॉर सैमसंग। इसको डाउनलोड करो। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको सबसे पहले ओपन करो, अगर कुछ परमिशन यहाँ पर मांगे तो दे देना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो गुड लॉक का मॉड्यूल्स यहाँ पर शो कर रहा है। सो इनमें से एक मॉड्यूल को ही डाउनलोड करना है, इसे लॉक स्टार पर क्लिक करो यहाँ से। उसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा, नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, देन इसका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी मॉड्यूल शो कर रहा है, लॉकस्टार पर मैं क्लिक करूंगा, देन उसके बाद ये डाउनलोड पेज आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करो। और मैंने क्योंकि इसको पहले ही डाउनलोड करके रखा था इसलिए यहाँ पर डाउनलोड अगेन का ऑप्शन है। आपके फोन पर हो सकता है कि डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक कर देना, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको सिंपली इंस्टॉल कर। अब इंस्टॉल करने के बाद फिर से जाओ फाइन लॉक एप्लीकेशन के अंदर, देन यहाँ देख सकते हो यूनिट के अंदर ये शो कर रहा है, इस पर क्लिक करो, देन नीचे ओपन एनीवे का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करो, देन ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो लॉक स्क्रीन का एक लेआउट है और एक AOD का है। तो यहाँ से दोनों को सबसे पहले आप एनेबल कर लो। एनेबल करने के बाद नीचे देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑटो ब्राइटनेस। सो ऑटो ब्राइटनेस पर रहता है आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। सो यहाँ से ऑटो ब्राइटनेस को सबसे पहले डिसेबल करो। डिसेबल करने के तुरंत बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा ब्राइटनेस स्लाइडर का, जिसको पूरा फुल करो। अब यहाँ तक वीडियो देख लियो तो मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे फोन पर ये सही से काम नहीं कर रहा। मैंने जब इसको शूट करने के टाइम ट्राई किया था तब ये काम नहीं किया था, फिर मैंने एक बार ट्राई किया शाम को तब ये काम कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो ब्राइटनेस ऑप्शन एनेबल है, और अगर मैं AOD पर जाऊँ तो ब्राइटनेस कम शो कर रहा है। बट अगर मैं इसको एनेबल कर दूँ ऑटो ब्राइटनेस ऑप्शन को, सॉरी डिसेबल कर दूँ, और जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उसको फुल कर दूँ, देन अगर मैं AOD पर जाऊँ तो यहाँ देख सकते हो ब्राइटनेस पहले से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट हो सकता है कि आपके फोन पर ये सही से काम ना कर, तो बाद में गाली मत देना कमेंट पर कि काम नहीं कर रहा। ये एक लेजिट मेथड है जिससे आप अपना AOD का, सैमसंग के AOD का ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो, और मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो बस इतने ही था आज के इस वीडियो में। अगर आप अपने सैमसंग फोन पर AOD को कस्टमाइज करना चाहते हो, क्लॉक चेंज करना चाहते हो, उसके साथ विजेट ऐड करना चाहते हो, और भी बहुत सारा कस्टमाइजेशन चाहते हो, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया मैंने, इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।